आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो? आप उन्हीं की परछाई हो। अगर आप अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, या आपके साथ भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है कि आपकी उम्मीदें टूट रही है और आपको लग रहा है कि अब काफी ज्यादा बुरा हो रहा है, तो मेरे भाई आज की वीडियो आपके नाम। हमारी लाइफ रोज हमें बताती है कि हमारी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है। अब ये काफी लोग नेगेटिव लेंगे और काफी लोग पॉजिटिव भी। नेगेटिव इसलिए कि जब कुछ फिक्स ही नहीं है तो फिर मेहनत करके क्या फायदा? क्यों हम इतनी मेहनत करें, पैसे कमाएं, अपने सपनों को पूरा करें, जब कुछ फिक्स ही नहीं है तो फिर मेहनत करके क्या फायदा? और पॉजिटिव इसलिए कि जब कुछ फिक्स ही नहीं है तो अगर आपके साथ कुछ बुरा चल भी रहा है तो वो भी बहुत जल्दी टल जाएगा, क्योंकि जब अच्छा टाइम निकल गया तो मेरे भाई बुरा टाइम भी निकल जाएगा। अब देखो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो कि कुछ फिक्स नहीं है तो मैं कोई मेहनत नहीं करूंगा, कुछ पैसे नहीं कमाऊंगा और जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दूंगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने ऐसा सोचा तो आप बुरे वक्त में अपने आप को पहले से भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंसा लोगे। अब सोचो, आप किसी पहाड़ पर गए और अपने साथ कुछ भी गर्म कपड़े नहीं लेकर गए, सिर्फ ये सोच कर कि कुछ फिक्स थोड़ी है कि बर्फ गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो आपने कोई चीज नहीं की और ऐसे ही पहाड़ पर चले गए। पर वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव सिचुएशन को भी माइंड में रखते हैं, यानी अगर कुछ फिक्स नहीं है तो बर्फ गिर भी तो सकती है। अब उन्होंने इससे बचने के लिए स्वेटर रख लिए, गर्म जैकेट रख ली और उसके बाद वो पहाड़ पर गए। अब आप खुद सोचो कि इन दोनों में सर्वाइव करने के किसके सबसे ज्यादा चांस है? जाहिर है जिसके पास गर्म जैकेट है उसके। अब देखो यार, लाइफ में कुछ फिक्स नहीं है, प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, पर अगर आपने उससे लड़ने की तैयारी की हुई है, आपके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तो भाई आपका नुकसान बाकियों के मुकाबले काफी कम होगा। इसलिए आपका हमेशा आगे बढ़ना जरूरी होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ना। आपका कोई सवाल हो तो मुझसे वहां पर पूछ सकते हो, पर पहले इस वीडियो को लास्ट तक समझ लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कसम से आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा और साथ ही आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। तो पहले ये देख लो, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी बात कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला और झटका देने वाला सच ये है कि आप अपने पेरेंट्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। हम अक्सर अपने पेरेंट्स से गुस्सा करते हैं, हमें लगता है कि उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो गलत है, मगर हमें वो डिसीजन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स हैं। और इसी बीच हमारी ये उम्मीद भी रहती है कि काश वो थोड़े बदलेंगे, मगर भाई लोग ये बात भी सच है कि आप अपने पेरेंट्स को कभी बदल नहीं सकते। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे पहला ये कि उनकी एज ज्यादा है, वो आपसे काफी बड़े हैं और बड़े होने की वजह से उनके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि उन्होंने आपको दुनिया देखनी सिखाई है, तो वो आपकी बात को कैसे इतना एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरा कारण ये है कि हम जब फैसले लेते हैं तो हमारे फैसले कई बार गलत भी होते हैं और इससे हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम कभी फैसले नहीं ले सकते। ऐसे ही बहुत सारी वजह के चलते हम कभी अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ऐसे ही रहेंगे। हम बस उनको अपने रिजल्ट दिखा के ये साबित कर सकते हैं कि हम लायक हैं और उसी से वो लोग हमें हमारे काम में डिस्टर्ब नहीं बल्कि हेल्प करेंगे। इसके बाद आप जिनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, यानी टॉप 5 बंदे, उन्हीं 5 बंदों की आप रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे अगर आपके ग्रुप में सारे यानी 5 के 5 लोग बुरे हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे, या अगर आपके ग्रुप में समझदार लोग हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आपका माइंड भी उसी के हिसाब से वर्क करेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने आसपास के लोग बहुत सोच समझ कर चूज करो, और अगर वो साथ में नहीं रहना चाहते या किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं तो वो आपके दोस्त नहीं है। इसके बाद भरोसा, हमेशा आपके थ्रू जो काम किया जाता है उससे बिल्ड होता है, भले ही वो खुद के ऊपर हो या दूसरे के, यानी आप दूसरे के लिए कैसे पेश आते हैं ये उसके मन में आपके लिए भरोसे को जन्म देता है, और आप जो काम करते हैं उसे कितनी ईमानदारी से करते हैं, उसमें कितनी सक्सेस हासिल करते हैं, यह आपको खुद पर भरोसा करने लायक बनाता है, यानी आपके थ्रू किया जाने वाला काम आपको भरोसे के लायक बनाता है। इसके बाद डिसिप्लिन, सिर्फ एक वर्ड है पर अगर आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन में बिताते हैं तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। जैसे स्कूल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लास शुरू होती थी, और ऐसे ही हम टाइम टू टाइम हर चीज की नॉलेज लेते थे, टाइम पर भूख लगती थी, टाइम पर खाना खाते थे, मगर हमारा रूटीन बिगड़ने से सब कुछ खराब हो जाता है, फिर सिर्फ टाइम बीतता है, टाइम यूज नहीं होता। और डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन बनाना नहीं होता, बल्कि आप कहाँ कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, किसे रिस्पेक्ट देते हैं और जो रिस्पेक्ट नहीं देते उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी हेट को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। और याद रखो, डिसिप्लिन सिर्फ 1 मिनट में शुरू किया जा सकता है। आपने अभी सोचा और अभी से इसी कैटेगरी में शामिल हो गए, और जो टाल देता है उनके बस की नहीं डिसिप्लिन को हैंडल करना।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने आपको वाकई काफी कुछ सिखाया होगा, आपको अंदर से मजबूत किया होगा, आपके माइंड को पॉजिटिव फील करवाया होगा। वीडियो में कोई भी चीज पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही आ जाओ यार इंस्टाग्राम पर, इंस्टा पर बहुत सारी पोस्ट है जिन्हें आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।